the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so those two talk karenge vitamin d ka or immunity they say, now विटामिन डी इज़ बेसिकली एन इम्यूनो मॉड्यूलेटर उसका क्यों ऐसा कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर का मतलब क्या हमने हम हमें सबको पता है कि वाइटामिन डी का कुछ बेसिक काम है कि वो आपके मिनरल uh, एब्जॉर्बशन में बहुत काम आता है आपके कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट की रोल्स आपके मेटाबॉलिज्म में प्ले करता है कैल्शियम साथ ही फॉस्फेट आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन कुछ रीसेंट सालों में ये साइंटिफिक रिकवरी डिस्कवरी हुई है कम्युनिटी में कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इम्यून सिस्टम में राइट वाइट वाइटामिन डी जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है ये एब्जॉर्बशन और मेटाबॉलिज्म ये दोनों में काम करता है कैल्शियम के फास्फेट के और उस इम्यून सिस्टम में भी इसका बहुत अच्छा रोल है इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज कि क्या है क्या नहीं है और कैसे ये ना सिर्फ हड्डियों की बीमारी बल्कि जॉइंट्स की बीमारी जैसे कि इम्यून सिस्टम डिस रेगुलेशन के वजह से होने वाली बीमारियां जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ मल्टीपल स्क्लोरोसिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लॉमेटरी बावल डिजीज ये सारी विटामिन डी के डेफिशिएंसी से बीमारियां बढ़ जाती हैं और उनको विटामिन डी करेक्ट करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है तो उसका पीछे का रीज़न क्या है ये क्या इम्यूनो मॉड्यूलेशन है सो so, विटामिन डी को देखा गया है कि ये वाइटामिन डी और इम्यून डिसरेगुलेशन इम्यून डिसरेगुलेशन का मतलब है कि या तो इम्यूनिटी बहुत कम है या इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है ये दोनों में वाइटमिन वाइटामिन डी का अच्छा खासा रोल है याद रखिए वाइटामिन डी जिसमें जो धूप से मिलता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट वाइटामिन जो, जो धूप में जाना बंद हो गया है अब सारा दिन हम कारों में बैठते हैं घरों में बैठते हैं ऑफिसिस में बैठते हैं धूप में खेलना कूदना सब बंद धूप में बैठेंगे भी तो छतरी के नीचे सारे कपड़े पहन के राइट मॉइस्चराइजर लगा सनस्क्रीन लगा के तो यस वो ज़रूरी भी है अपने आप को डैमेज से बचाने के लिए मगर जो है उसके वजह से जो साइड इफेक्ट है कि वाइटामिन डी कम हो जाता है सो so, वाइटामिन डी में रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि आपके बॉडी के पेरिफेरल ब्लड मोनोसाइट्स ब्लड के जो इम्यून सेल्स है इम्यून सिस्टम है वहां पर लिंफोसाइट्स है मोनोसाइट्स है न्यूट्रोफिल्स है बेसोफिल्स है अगर आपने इम्यूनिटी वाला हमारा वीडियो देखा है आप जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं उसमें से एक सेल है मोनोसाइट और एक है बी सेल और टी सेल बी और टी लिम्फोसाइट है देखा क्या गया है कि व्हाइट ब्लड सेल्स इन वाले मोनोसाइट्स बी और टी सेल्स इनमें वाइटामिन डी का रिसेप्टर है जिसको हम VDR कहेंगे वाइटामिन डी रिसेप्टर ये वाइटामिन डी रिसेप्टर इनमें है मतलब वाइटामिन डी इसमें भी रोल अदा करता है और ये कंफर्म किया गया है कि सारी मेजर टी सेल लीनियज मतलब टी सेल से जितने एसोसिएटेड uh, सारे सेल्स हैं मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एसेट्रा डेंड्राइटिक सेल्स इन सब में वाइटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है वाइटामिन डी हैज बीन शोन टू बी एन इनिबिटर ऑफ डेंडेटिक सेल मेम्ब्रेन। यानी थोड़ा स्पेसिफिक हो गया लेट लेट मी एक्सप्लेन और टी इट कैन इनिबिट डेंडरेटिक सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज टी सेल स्टिम्युलेटरी फंक्शन ये दिखाया गया है राइट right? मतलब कि अगर कोई बीमारी है जो आप ही के ऐसे इम्यून सिस्टम्स आप ही के बॉडी को डैमेज कर रहे हैं जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज में रोमेटेक आर्थराइटिस में ऑटो इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज में साइटोकॉन स्टोम में साइटोकाइन स्टॉम में ऐसी टाइम पे जैसे इन्फेक्शंस के वजह से कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शंस के वजह से तो वाइटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम्स को रिलैक्स करने का इनिबिट करने का काम कर सकता है मॉनिटर uh, करने का काम कर सकता है इसी के साथ इसका रोल है बी सेल डिफ्रेंसियशन में एंड प्रोलिफ्रिएशन में मतलब कि अटैक करने वाले टी सेल्स को डेंड्रेटिक सेल्स को ये इनिबिट कर सकता है वहाँ के कि भाई हाँ बस अब और झगड़े नहीं करने और ज़्यादा मारा पीटी नहीं करनी है और बी सेल्स जो आपके uh, मेमोरी सेल्स है एंटीबॉडी प्रोडक्शन सेल्स है जो फ्यूचरिस्टिकली आपकी इम्यूनिटी डेवलप करेंगे उनको ये और ज्यादा तेजी से बना सकता है प्रोटीन यानी हेल्प कर सकता है डिफ्रेंशिएशन प्रोलिफिएशन में अगर आपको नहीं पता कि बी सेल और टी सेल और फलाना सेल धमकाना सेल क्या होता है तो इम्यूनिटी वाले वीडियो जाके देखिए इम्यूनिटी बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके ढूंढ लीजिएगा राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इट ऑल ऑल्सो बीन फाउंड टू अफेक्ट टी सेल डिफ्रेंशिएशन शिफ्टिंग पोलराइजेशन टू पेरिफेरली फेवर टी टू सेल डिफ्रेंशिएशन टी वन सेल डेवलपमेंट विथ आई एल टू आई एल बेसिकली मतलब ये बताया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में सही तरीके से फंक्शनिंग में वाइटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है ठीक है सो so, ये आपके शरीर के अंदर वाइटामिन डी बोन मैरो के अंदर डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है बोन डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं उनमें भी सेम ऐसी ही फाइंडिंग है कि वो विटामिन डी से सेंसिटिव है विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं तो ना सिर्फ जो खून में आपके सेल घूम रहे हैं बल्कि बोन में सेल हैं वहां तक विटामिन डी का इफेक्ट है सो so, यहां तक कि ये तो चलो सेल्स हो गए सेल्स के जो अंदर से प्रोडक्शन होता है जो अंदर से सेल्स एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करता है आपके एंटी बाइक्रोबियल प्रोटीन्स पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करता है डिफेंसिन्स प्रोड्यूस करता है बथेरा बथेरा इसमें भी वाइटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल है तो देख सकते हैं आप कि अगर आपके शरीर में वाइटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो कितना सारा प्रॉब्लम आ सकता है आपको इम्यून सिस्टम में ना सिर्फ सेल्स के मैच्योरेशन में ना सिर्फ ज़्यादा हो सकती है दिक्कत और बल एक इस तरीके का कंट्रोल मान के चलिए कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो फील्ड में है वो पागल सामान झगड़े करेंगे और जो कम्युनिकेशन होगा तो उनके पास भी होगा बैकअप कि हाँ मुझे बैक आना है आप पीछे से टीम आ रही है एच एट तो वाइटामिन डी इज़ वेरी वेरी, वेरी वाइटल फॉर योर इम्यूनिटी वाइटामिन डी ऑल्सो हैज़ जैसे हमने कहा वो रिपेयर में भी हेल्प करता है ठीक है एडिशनली रिपेयर में होम्योस्टेसिस के लिए भी हेल्प करता है कि एपिथीलियल डैमेज हो गया कोई वहां इन्फ्लामेशन में इंफेक्शन में सो एपिथीलियल टिश्यू के रिपेयर में भी वाइटामिन डी हेल्प करता है और वाइटामिन डी और कैल्शियम ऑब्वियसली कैल्शियम हर जगह लगता है तो वाइटामिन डी इज आल्सो काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग याद रखिएगा इट्स वेरी वेरी ऑटोइम्यून इम्यून डिजीजेज में वाइटामिन डी हेल्पफुल है एस्थमा में विटामिन डी हेल्पफुल है यह देखा गया है क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस को भी वो शांत रिलैक्स कर उसके भी इफेक्ट कम करने में ऑटो इम्यून डिजीजेस के इफेक्ट कम करने में रोमेटोड आर्थराइटिस मैंने बता रखा है उन बीमारी के रिस्क और बीमारी की वर्सनिंग जो है वो कम करता है जनरली वाइटामिन डी सप्लीमेंटेशन बेटर माना जाता है ऐसे सिचुएशन में तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ वेरी गुड थिंग जो ऑलरेडी वैसे तो हमें पहले से पता थी बट रिसर्च ऑलरेडी बता रहा है ये चीज तो बहुत अच्छी बात है राइट right. ना साथ ही बहुत सारे प्रकार के जैसे क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस कुछ प्रकार के कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर इन सारी बीमारियों में वाइटामिन डी का रोल देखा गया है अल्टीमेटली वाइटामिन डी के रिसेप्टर्स uh, इन सारी जगहों पे पाए गए हैं और ये देखा गया है कि वाइटामिन डी का बेनिफिशियल लोक रोल है आपके बॉडी के अंदर और अगर लैक होगा आपके शरीर में वाइटामिन डी कम होगा तो ये देखा गया है कि इवन uh, बीमारियाँ जैसे आई बी डी डिजीज जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं वाइटामिन डी के कमी से वजह से भी क्योंकि वाइटामिन डी की कमी की वजह से इंटेस्टाइन का जो माइक्रोबायोम है जो गट बैक्टीरिया है वहाँ पे दिक्कत आने लग जाती है तो आईबीडी जैसी बीमारियाँ हो सकती है तो देर इज़ अ रिलेशनशिप सीन इन माइस सो वाइटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो धूप बहुत ज़रूरी है धूप नहीं मिल रही है तो वाइटामिन डी के सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए रेगुलर टेस्ट करने चाहिए इट्स वेरी सिंपल वाइटामिन डी का टेस्ट जो होता है वाइट उसका बारे में भी वाइटामिन डी पे बहुत अच्छा वीडियो है अलग से हमारा जो उसका आर डी ए रिकमेंडेड बताता है उसके नेचुरल सोर्सेज बताता है उसके सप्लीमेंटेशन बताता है टेस्ट में गड़बड़ है वाइटामिन डी का टेस्ट है डी थ्री का टेस्ट है हमें टेस्ट करना होता है डी का हम एक्टिवेटेड वर्जन का नहीं टेस्ट करते डी थ्री बहुत महंगा टेस्ट है ढाई तीन हज़ार का टेस्ट है जो डी वाला है वो भी महंगा है तो इसीलिए लिए वाइटामिन डी आपको अगर बीच बीच में लेना पड़े तो कोई न, कोई नुकसान नहीं है सो तो वाइटामिन डी को साल दो साल में एक बार चेक कराया करो टेस्ट किया करो उसको रेगुलर खाया करो और अभी के मौके में अगर आप धूप में नहीं जाते हो बैठते नहीं हो आप आपने रिसेंटली या पहले कभी टेस्ट कराया कर था कमी थी तो वाइटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करो इसमें आप 600 मिनिमम आपको हज़ार माइक हज़ार यूनिट्स डेली चाहिए होता है हज़ार से दो हज़ार तो पाँच हज़ार यूनिट तक पाँच हज़ार इंटरनेट यूनिट यु, तक आप डेली ले सकते हो अगर कमी पता है पक्की कमी है तो दस हजार भी डेली ले सकते हैं सिक्सटी थाउजेंड वीकली का डोज होता है सिक्सटी थाउजेंड यूनिट वीकली जो डेफिशिएंसी करेक्शन के लिए दी जाती है सिक्स टू एट वीक्स के लिए और उसके बाद वंस अ मंथ सिक्सटी थाउजेंड लेके आप आप रेगुलर मेंटेन कर सकते हैं या फाइव थाउजेंड डेली ले सकते हैं या टू थाउजेंड डेली ले सकते हैं अलग अलग एज में अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसके लिए वाइटामिन डी का डिटेल वीडियो आपने देखना है तो टू बी टू हैव अ कंक्लूजन वाइटामिन डी का आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्न ंग मॉड्यूलेटरी रोल है चाहे हो, चाहे शरीर के अंदर या बाहर ये आपके आ, कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स को यानी ज्यादा नुकसान करने वाले सिग्नल्स को डाउन रेगुलेट करता है और जो फेवर पे जाता है आपके प्रो प्रोटोटैपिकल ट्रैग प्रोफाइल इतना मतलब बेसिकली डिजीज प्रिवेंशन और सीरियसनेस प्रिवेंशन टाइप ऑफ प्रोफाइल के लिए सो दैट इज़ वेरी गुड अगर आपको इन्फ्लामेशन ऑटो इम्यून डी डिजीज ऐसा कोई भी इन्फ्लामेटरी बीमारी है तो ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए वाइटामिन डी चेक करके उसको अपने कंट्रोल में रखना सो दैट्स ऑल्व फॉर टुडे गाइज आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल होप यू वुड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन एज मच एज यू कैन थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड